दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉन का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके चलते अब वो हमारे बीच नहीं रहे। शेन वॉन थाईलैंड में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शेन वॉन अपने विला में मौजूद थे और उन्हें वहां बेहोश पाया गया। शेन वॉन के मैनेजमेंट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उनकी मृत्यु थाईलैंड के कोह सामुई में हुई है। बयान में कहा गया कि शेन अपने विला में बेहोशी की हालत में पाए गए थे। डॉक्टर्स द्वारा किए गए इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉन के मैनेजमेंट ने अपने जारी किए गए बयान में ये भी बताया कि उनकी फैमिली इस न्यूज पर प्राइवेसी बनाए रखना चाहती है। वो चाहती थी कि सही समय आने पर ये खबर मीडिया को दी जाए। गुरुवार को ही शेन वॉन ने अपने थाईलैंड में स्थित विला की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। महान स्पिनर शेन वॉन ने साल 1993 के एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइक गेटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था, उसे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी गेंद कहा जाता है। उस गेंद ने वॉन की जिंदगी बदल कर रख दी थी। वॉन ने कलाई की जादूगरी से अपने समय के लगभग सभी दिग्गजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। वॉन ने अपने 145 मैचों के टेस्ट करियर में 708 विकेट चटकाए, जो मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक है। शेन वॉन ने अपना आखिरी टेस्ट जनवरी साल 2007 में खेला। 1999 में वो ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान भी बने, लेकिन उन्हें कभी कप्तान बनने का मौका नहीं मिला। वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वॉन ने आईपीएल में पहली बार कप्तानी की और पहले ही सीजन में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बना डाला। भले ही शेन वॉन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो दोस्तों, आप भी क्रिकेटर शेन वॉन को श्रद्धांजलि दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।